नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चालू करने वाले क्लास 12th कॉमर्स विद्यार्थी पार्ट वन का लेने वाला हूँ चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है साझेदारी का पुनर्गठन। बच्चों को चैप्टर तो आते हैं, लेकिन बच्चे एग्जाम टाइम पे कन्फ्यूज जाते हैं कब हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक का मैंने स्टेट में हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के उसे अच्छी तरीके से देख लो। ठीक है बच्चों, आज से हम स्टेट में हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट चलाएंगे और मैं बेटा जो जो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा गारंटी देता हूँ बेटा आपको वो चैप्टर 100% आपको समझ में आ ही जाएगा। पूरा गारंटी। लेकिन शर्त एक बात का है कि आपको सारी वीडियो को अच्छी तरीके से देखना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, साझेदारी का पुनर्गठन ये एक्चुअल में आपका कितने मार्क्स में आने वाला है? ये 5 नंबर में आने वाला है। कितने मार्क्स में आने वाला है? 5 नंबर में आने वाला है। जो कि हालांकि अगर मैं आपसे बात करूं तो एक MCQ आने वाला है 1 मार्क्स का। कितने मार्क्स में? 1 MCQ आने वाला है 1 मार्क्स का। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए बच्चों, उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी 2 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क, 2-2 मार्क का आएगा। टोटल मिला के कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। नहीं समझे? समझाता हूं। यहां पर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2-2 नंबर का, तो मतलब 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का आएगा, कितने हुए? 4 हुए। टोटल मिला के ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? 5 नंबर का है। बच्चों, सभी लोगों को सीखना है बेटा, अगर अकाउंट में अच्छी तरीके से मार्क्स लाना है, अच्छे नंबर से पास होना है, तो बच्चों ये चैप्टर तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी जो जो चैप्टर चलाने वाला हूँ वो सारे चैप्टर अगर अच्छी तरीके से तुमने प्रैक्टिस कर लिया ना, गारंटी देता हूँ कि मेरे वीडियो देख कर ही आप 100% पास हो जाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कितने मेथड हैं, कौन कौन से मेथड है, क्या क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो बच्चों, साझेदारी की पुनर्गठन कितनी विधि? उसके अंदर 2 विधि है। कितनी विधि है? 2 विधि है। कौन कौन सा? पहला है त्याग का अनुपात, दूसरा है लाभ का अनुपात। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, कितनी विधि? 2 विधि, त्याग का अनुपात और लाभ का अनुपात। अगर मैं बच्चों बात करूं त्याग के अनुपात का सूत्र क्या होता है, उसे हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है त्याग का अनुपात, तो त्याग के अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम दूसरा बोलते हैं लाभ का अनुपात, तो लाभ का अनुपात का सूत्र होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसमें इसके अंदर 2 नोट्स है, वो 2 नोट्स को अच्छी तरीके से समझ लोगे तो गारंटी बड़ा आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि जब तक आपको नोट्स समझ में नहीं आएंगे तब तक आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, नोट नंबर 1, अगर ये नोट्स को समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, त्याग ज्ञात करते समय अगर हमारा उत्तर माइनस में आए, फिर से बच्चों ध्यान देना है, कौन सा? अगर त्याग ज्ञात करते समय अगर हमारा उत्तर माइनस में आएगा तो आपको लिखना है लाभ। क्लियर? आगे, अगर लाभ ज्ञात करते समय अगर हमारा उत्तर माइनस में आए तो आपको क्या लिखना है? त्याग लिखना है। अगर बच्चों ना तो लाभ मिले, मतलब ना तो माइनस में आए ना तो प्लस में आए, अगर आंसर 0 आ जाए, अगर हमारा मान लो आंसर 0 आ जाए तो सर वहां पर क्या लिखोगे? तो वहां पर आपको लिखना है ना ही त्याग ना ही लाभ। क्लियर हो गया बच्चों? ध्यान से अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो बड़ा मैं आपको एक प्रैक्टिकल सवाल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक प्रैक्टिकल सवाल, जिससे मैं आपको समझा सकूं कि उसमें कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। क्लियर बच्चों? देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, इसे देखो, ध्यान से देखो और कौन कौन सी चीजों पे मैंने हाईलाइट किया है उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। क्लियर बच्चों? सबसे पहले सचिन, राहुल और रोहित एक पीढ़ी के साझेदार हैं,
वह लाभ हानि का अनुपात 1:2 के प्रमाण में बांटते हैं। सभी साझेदारों ने लाभ हानि का प्रमाण में भविष्य में बदलकर 3:2:1 करना तय किया, तो साझेदारों ने त्याग की गणना कीजिए। तो यहां पर कौन सा सूत्र लगाना बच्चों, उन्होंने पहले ही बोल दिया कौन सा सूत्र लगेगा, त्याग का सूत्र लगाओ। ठीक है बच्चों, अब यहां पर सबसे पहले यहां पर बताओ कितने साझेदार हैं, तो यहां पर 3 साझेदार हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखना है पहले उसे समझ लो, फिर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखना है साझेदार, क्या लिखोगे, साझेदार। तो बोलो बच्चों कितने साझेदार हैं, यहां पर 3 साझेदार हैं। तो तीनों साझेदारों के यहां पर नाम लिख दो। नंबर 1 क्या लिखेंगे, सचिन। नंबर 2 लिखोगे यहां पर राहुल, और नंबर 3 लिखोगे रोहित। ये 3 साझेदार हैं। अब बच्चों उसके बाद मैंने आपको बताया था यहां पर त्याग ज्ञात करना है, तो त्याग का मतलब होता है पुराना माइनस नया, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले बड़ा यहाँ पर पुराना प्रमाण कौन सा है, नया प्रमाण। तो बड़ा यहाँ पर देखो लिखा है, ये जो पहला वाला होगा इसको बोलेंगे पुराना प्रमाण, और ये जो दूसरा वाला है इसको बोलेंगे नया प्रमाण। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुराना अनुपात, क्या लिखेंगे, पुराना अनुपात। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, 2। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद चलिए यहाँ पर लिखेंगे नया प्रमाण, नया अनुपात। चलिए नया अनुपात कितना दिया है, 3:2:1। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये स्टेप 1 है बड़ा। स्टेप 1 हो जाने के बाद ध्यान से समझना बच्चा, मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे, ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 1 पूरा हो जाने के बाद आपको स्टेप 2 में क्या करना है, सूत्र लगाना है। क्या करना है, सूत्र लगाना। चलिए मैं सूत्र लिखता हूँ। देखो बच्चे स्टेप 2 में यहाँ पर क्या करना है, सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, त्याग का अनुपात बराबर पुराना माइनस नया। उसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम सचिन का निकालेंगे, फिर राहुल का निकालेंगे, फिर हम रोहित का निकालेंगे। चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले सचिन, तो यहाँ पर हम सचिन का नाम लिखेंगे, जो भी निकालना है उसका नाम आपको लिख देना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा बड़ा, पुराना, तो पुराना अनुपात कितना दिया है, 1, और बटे में देखो बड़ा, बटे में क्या लिखना है, तो इन तीनों का टोटल कितना दिया है, 1, 2, 2। कितना होगा बच्चों, तीनों का टोटल 5 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 5। क्लियर हो गया बच्चों, माइनस। अब नया प्रमाण कितना दिया है सचिन का, 3 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 3, और तीनों का टोटल 3, 2, 5, एक कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, यहाँ तक हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है वो देखिए। अब क्या करना है, इसका चौकड़ी गुणा करेंगे, 6 का गुणा 1 में करो बच्चों, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 6। फिर 5 का गुणा 3 में करो, 5 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 15। अब 6 का गुणा 5 में करो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बच्चों 6 में से −15 माइनस करोगे कितना आएगा, −9, और यहाँ पर 30 का 30। बोलो बच्चों यहाँ पर कितना है बड़ा, −9/5। बच्चों अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया, त्याग ज्ञात करते समय अगर हमारा उत्तर माइनस में आए, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, लाभ लिखना है। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। जिस तरीके से हमने सचिन का निकाला, अब हम किसका निकालेंगे, राहुल का। तो चलिए राहुल का निकालते हैं। चलिए राहुल का भी मैंने लिख दिया, पुराना अनुपात कितना था, 2। यहाँ पर देखो राहुल का कितना दिया, 2/5। फिर इसका कितना दिया, 2/6। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बड़ा, लिख दिया। अब क्या करना है देखो, 6 का गुणा 2 में करो कितना आएगा, 12 हो जाएगा, 6 × 2 = 12। फिर 5 का गुणा 2 में करो कितना हो जाएगा, 10। फिर 6 × 5 = 30। अब बड़ा 12 में से 10 किया कितना बचेगा,
2/30। और बच्चों मैंने अभी बताया था त्याग का सूत्र ज्ञात करते समय अगर हमारा उत्तर माइनस में आता है तो आपको क्या लिखना है, लाभ। लेकिन यहां पर तो प्लस में आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे त्याग। बोलो बच्चों क्लियर। अब हम किसका निकालेंगे, चलिए देखते हैं अब किसका निकालना है। अब निकालेंगे रोहित का। तो रोहित का पुराना अनुपात कितना दिया है, 2, और इसका कितना दिया है, 1। चलिए लिखते हैं। चलिए बेटा यहाँ पर रोहित का पुराना अनुपात कितना है, 2/5, और इसका कितना है, 1/6। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, माइनस 5 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 6 का गुणा 5 में करोगे कितना हो जाएगा, 30। अब 12 में से 5 माइनस करो बच्चों, जब 12 में से 5 माइनस करो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 7 और 30 का 30। और अगर माइनस में प्लस में आ रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्याग। क्या लिखेंगे, त्याग। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। बोलो बच्चों समझ में आ गया, त्याग का प्रमाण का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया तो वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और बच्चों आपको होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसे ध्यान दीजिए। HW उदाहरण नंबर 1 और 2 आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद स्वाध्याय का 4, 5, 6 और 9। 9 में बड़ा 1 में तो आपको सीधा सीधा अनुपात दिया होगा और 1 में आपको बटे बटे अनुपात दिया, तो कंफ्यूज मत होना। वो बटे को हम बटे में लिखना होता है, वही चीजें लिखा है, सिंपल सी बात है। नहीं समझ में आएगा बताना मुझे, मैं आपको करवा दूंगा, वो सबसे ईजी होता है, ठीक है। बटे वाला है कैसा है कि बटे में पहले से दिया हुआ है, तो आपने को करना पड़ता था उसमें पहले से दे दिया है। क्लियर बच्चों। चलिए अब हम एक सवाल और लेने वाले जिसे कहते हैं लाभ की मेथड से। कौन से मेथड से, अब हम सिखाने जा रहे हैं लाभ का अनुपात। लाभ के अनुपात का कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसे भी हम ध्यान से समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए बच्चों आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया है जो हम दूसरे मेथड से करने वाले, जिसका नाम है लाभ का प्रमाण। चलिए समझते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, राजू हंसू और संजू एक पीढ़ी के साझेदार हैं, उनके बीच लाभ का वितरण का प्रमाण 5:4:3 है। सभी साझेदार मिलकर के लाभ हानि के अनुपात का प्रमाण बदल करके नया प्रमाण 2:2:1 है करना तय किया, तो इस जानकारी पर से लाभ का प्रमाण ज्ञात कीजिए। बच्चों ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये जुलाई 2019 में और मार्च 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, और इसके पहले जो क्वेश्चन चला था वो भी बड़ा मार्च 2019 और मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बच्चों, आपका एक एक टॉपिक एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग आप सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखो कितने साझेदार हैं, तो स्टेप 1 में क्या लिखेंगे बड़ा, स्टेप 1 में यहाँ पर देखो कितने साझेदार हैं, तो लिखो यहाँ पर साझेदार। क्या लिखो, साझेदार। कितने साझेदार हैं यहाँ पर, 3 साझेदार। नाम क्या है, यहाँ पर नाम है राजू। चलिए बच्चों देखो साझेदार यहाँ पर 3 लिख दिया, राजू हंसू और संजू। उसके बाद पुराना अनुपात कितना दिया है, पुराना अनुपात दिया 5:4:3, तो 5:4:3, तो तीनों का टोटल मारेंगे कितना होगा, 12। अब यहाँ पर नया अनुपात कितना दिया, 2:2:1, तो 2:2:1, तीनों का टोटल मारेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। हमें कौन से मेथड से ज्ञात करना, लाभ का प्रमाण। तो यहाँ पर सूत्र स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 में लिखना पड़ेगा सूत्र। चलिए हम सूत्र लिखते हैं यहाँ पर ध्यान से, लाभ का सूत्र। देखिए बच्चे स्टेप 2 में मैंने लिख दिया लाभ का अनुपात का सूत्र क्या है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर निकालने वाले हैं हम नंबर 1, पहले साझेदार। पहले साझेदार का नाम क्या है, राजू, तो यहाँ पर लिखेंगे राजू। चलिए नया अनुपात, नया अनुपात कितना दिया राजू का बड़ा, 2 दिया है, तो 2/2 में कितना आएगा, 5, कुल कितना लिखेंगे, 5, बीच में माइनस है तो माइनस। चलिए अब पुराना, तो राजू का पुराना अनुपात कितना दिया है, 5, और भाग देंगे कितना आएगा, 12। बोलो बच्चों यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना होगा, 24, 12 × 2 = 24, फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना होगा, 25। अब नीचे नीचे का 12 × 5 = 60,
अब बच्चों देखो, 24 में से 25 जाएगा, 25 में से 24 गया, कितना आएगा? माइनस का 1/60। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहाँ पर मैं बताया था, अगर लाभ दिया हो और लाभ ज्ञात करते समय अगर उत्तर माइनस में आता है तो आपको लिखना है त्याग। क्या लिखना है बच्चों? त्याग लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्याग। बस इन चीजों को ध्यान से करना है, ध्यान से नोट्स को अगर तुम समझोगे बड़ा 100% अकाउंट सबसे ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है बच्चों, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। ठीक है, बोलो, राजू का निकल गया। अब हम निकालेंगे हसु का और संजू का। चलिए हसु का लिखते हैं, पुराना अनुपात माइनस पुराना अनुपात की वैल्यू लिखते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर मैंने हसु का लिख दिया, पुराना नया माइनस पुराना। तुम क्या करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, माइनस फिर 5 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, अब नीचे नीचे का तो यहाँ पर कितना आएगा 60। अब 24 में से 20 माइनस करोगे उत्तर कितना आएगा 4/60। उत्तर किस में आ गया? प्लस में आ गया। प्लस में आ गया तो इसको क्या लिखेंगे? लाभ। ठीक है बच्चों, उसमें उल्टा हो गया था। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम किसका निकालेंगे, चलो देखते हैं। अब निकालना है संजू। चलिए संजू का लिखते हैं यहाँ पर, संजू। चलिए संजू का यहाँ पर पुराना अनुपात कितना, नया अनुपात कितना दिया है 1/5 माइनस पुराना कितना दिया है 3/12। चलिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 एक कम 12, फिर 5 का गुणा 3 में करो 15, और 12 पंचे 60। चलिए 12 में से 15 जाएगा, 15 में से 12 गया तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा माइनस का 3/60। अभी माइनस में आएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? त्याग। बोलो बच्चों, ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बच्चों यहाँ पर आज मैंने त्याग का और लाभ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। चलिए बच्चों, यहाँ पर कुछ होमवर्क दिया है, वो होमवर्क आप घर पर जाकर जरूर प्रैक्टिस करना। उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 और स्वाध्याय का 7वां और 8वां क्वेश्चन आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।